जंग के 11 महीने में यूक्रेन के लिए आज की सबसे बुरी खबर, हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री की मौत। हेलीकॉप्टर क्रैश में उप गृह मंत्री और गृह सचिव की भी मौत। हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों की तस्वीर अभी तक साफ नहीं। ये है वो तस्वीरें, देखिए, ये जिस जगह पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद गिरा उसमें एक बड़ा इलाका आग के हवाले हो गया। और ये है बच्चों का स्कूल, बच्चों के, छोटे बच्चों के किंडरगार्टन स्कूल के ऊपर इस क्रैश का होना, ये इस हेलीकॉप्टर का गिरना हादसे को और भयावह और बड़ा कर गया। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे, लेकिन फिलहाल अगली खबर की तरफ ले चलता हूं। कीव के ब्रॉवरी में, जो असल में पूर्व की तरफ एक कस्बा है, कीव के पूर्व की तरफ एक कस्बा ब्रॉवरी, कीव के ब्रॉवरी में यूक्रेनी फौज का हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 बच्चों समेत 18 की मौत, जिसमें से 9 लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में और 9 लोग हेलीकॉप्टर के गिरने की वजह से मारे। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। अठारह लोगों की मौत, हेलीकॉप्टर क्रैश में 18 मारे गए, 10 बच्चों समेत 25 जख्मी हैं। रिहायशी इलाके के बीच एक किंडरगार्टन स्कूल में ये विमान हुआ क्रैश, ये हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद की तस्वीरें देखिए, एक रिहायशी इमारत आपको दिखाई दे रही है और साथ में किंडरगार्टन की इमारत दिखाई दे रही है और उसके बीच में ये क्रैश, और क्रैश के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं, आग ही आग आसपास दिखाई दे रही है। अब ये घटना आगे किस तरह के रेमिफिकेशंस की तरफ ले जा रही है, क्या फॉलोआउट होंगे, आज इसी पर होगी चर्चा। अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। कीव हेलीकॉप्टर क्रैश को ज़ेलेंस्की ने बताया है ब्लैक मॉर्निंग। ज़ेलेंस्की ने कहा काली सुबह में जिनकी जान चली गई उन्हें श्रद्धांजलि। क्रैश में 18 लोगों के मारे जाने की जानकारी के बारे में ज़ेलेंस्की ने भी बताया। उन्होंने कहा कि इसमें सवार लोग सच्चे देशभक्त थे और इस घटना के कारणों की विवेचना की जा रही है। इंटीरियर मिनिस्टर, गृह मंत्री, उप गृह मंत्री और गृह सचिव समेत कई लोगों का मारा जाना, यह बहुत बड़ा झटका यूक्रेन के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में। ये तीनों अहम खबरें आपके सामने। कहां पर ये क्रैश हुआ, इस क्रैश को किस तरीके से बताया ज़ेलेंस्की ने और इसकी विवेचना करने वालों ने इसको क्या बताया, वो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कितना बड़ा हादसा है, कैसे मासूम बच्चे भी इसका शिकार हुए हैं। अब ये क्यों हुआ है, क्या ये मौसम की वजह से हुआ है, क्या ये पायलट की गलती की वजह से हुआ है, क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच है या फिर यूक्रेन की तरफ से उसका एयर डिफेंस गलत तरीके से काम कर गया और ये फ्रेंडली फायर में हुआ हादसा है, या फिर इस सब के पीछे रशिया है, क्या ये घटना ऐसी है जो इस मामले को एस्केलेशन के अगले पड़ाव की तरफ ले जा रही है। ये क्रैश अपने आप में ये खबर तो है, लेकिन इस खबर के बाद इसके फॉलोआउट क्या हैं, ये बेहद अहम। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।